जो राइटिंग सेक्शन बैच चल रहा है उसका ये थर्ड एसे है, और इस एसे का इस एसे क्वेश्चन है, सोशल मूवमेंट कैन स्पार्क मच नीडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें संदीप का क्वेश्चन है, किस तरह से हम इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी से कनेक्ट करें। तो एक्चुअली संदीप ये पूछना चाहता है कि हम जब मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, मेन बॉडी सेकेंड पैराग्राफ होता है, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ से मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है और ये कंक्लूजन के पहले तक होती है, फाइन। तो क्वेश्चन ये है, किस तरह से हम इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को कनेक्ट करें, और मेन बॉडी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट। सबसे पहले ये तो आप आइडेंटिफाई करो कि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट कौन सा है। सोशल मूवमेंट कैन स्पार्क मच नीडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आपको ये देखना है इसमें सोशल मूवमेंट सबसे बड़ा है, इसका डायमेंशन किसका बड़ा है, सोशल मूवमेंट का डायमेंशन बड़ा है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का बड़ा है। ऑब्वियसली सोशल मूवमेंट का डायमेंशन बड़ा है, तो जिसका डायमेंशन सबसे ज्यादा है वो जनरल कॉम्पोनेंट आएगा, और जिसके बारे में आप हल्का फुल्का मेन बॉडी में बताओगे मगर डिटेल में किसके बारे में बताओगे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में। बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सोशल मूवमेंट्स आर द कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी सोशल मूवमेंट का इफेक्ट है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट का रिजल्ट है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसका मतलब है सोशल मूवमेंट होल है और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका पार्ट है। इसी से समझ में आता है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है और सोशल मूवमेंट जनरल कॉम्पोनेंट है। फिर भी अगर आप देखोगे तब भी मैंने सोशल मूवमेंट से स्टार्ट नहीं किया, मैंने डेमोक्रेसी से स्टार्ट किया, और मैंने ये लिखा कि डेमोक्रेसी डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब उसमें हमेशा अनस्टेबल होता है, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं और उसमें रिफॉर्म होता रहता है। तो और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से क्या होता है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट, ये सब। फिर उसके बाद मैंने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को पहले कनेक्ट किया, तो मेरा ये वाला स्पेसिफिक कंपोनेंट मैंने यहाँ पर दिया, मगर अभी भी मैंने सोशल मूवमेंट में नहीं लेकर आई, फाइन। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर आप ये वाला पूरा आप देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को सेकेंड पैराग्राफ में एक्सपोज कर दिया, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय सोशल मूवमेंट। बस मैं यही कह रही हूँ कि मुझे ध्यान है शायद प्रणव का है या किसका है, जुगल किशोर का है, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब बात करते जा रहे एकदम पूरा एक पेज खत्म हो गया है, उसने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज ही नहीं किया है। एग्जामिनर एक पेज पढ़ के उसका इंप्रेशन आ जाएगा कि नहीं ये लिख नहीं सकता है, मैंने ऑडियो फीडबैक भी दिया है, ये लिख नहीं सकता, और जब उसने अच्छा लिखा है एग्जामिनर इंटरेस्ट लूज कर दिया होगा बाय द टाइम। ओके, तो ऐसा काम मत करो, 300 वर्ड्स में लिखना है, कोई 320 में लिखता है, आप सेकेंड पैराग्राफ से ही एक्सपोज कर दो। अब देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी बताया, यहाँ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाया, कनेक्ट किया है, ठीक है, और फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया सोशल मूवमेंट से, तो ये मेन बॉडी से कनेक्ट हुआ। उसके बाद सोशल मूवमेंट कौन लेकर आता है, ऑर्डिनरी सिटीजन, एक्टिविस्ट, जो भी है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाला मैंने लिया है, ठीक है, अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेकर एकदम ये वाला एग्जाम्पल जो लिया है अमेरिका वाला, ये सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद मैं इंडिया पे आ गई, इंडिया का मैंने बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लिया, मगर एक प्रॉब्लम जो मैंने संदीप के एसे में देखी और भी एक दो एसे में देखे, मैं नाम भूल रही हूँ, कि सेकेंड एसे संदीप, मैं सेकेंड एसे की बात करी, कि आप सोशल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट किस तरह से रिफॉर्म लेकर आ रहा है या सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहा है आप ये बता रहे हो, मगर फिर भी आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में नहीं बता पा रहे हो, गॉट इट। तो यहाँ पर ये वाला गड़बड़ हो गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, इक्वल राइट फॉर ब्लैक, फिर यहाँ पर मैंने, आपने भी शायद बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब सोशल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट हैव ग्रेजुअली इंप्रूव्ड द स्टेटस एंड द राइट्स ऑफ दलित इन द कंट्री, ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। देखिए मैं बार बार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेकर आ रही हूँ,
निर्भया केस का मैंने बता दिया, उसमें भी अल्टीमेटली लीडिंग टू अमेंडमेंट, अगर मैं अमेंडमेंट बोल रही हूँ उसका मतलब वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, ठीक है। जैसे चिपको मूवमेंट के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो आपने लिखा है मेक द गवर्नमेंट अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट, बस ये क्या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है? नहीं, मेकिंग द गवर्नमेंट अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट ये कोई डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं है। उसकी वजह से क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या नेचर को राइट्स मिला है रहने का, ये चीज आपको बतानी चाहिए थी। फिर मैंने LGBTQ के बारे में बताया, अब इसमें भी मैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आई, उनको भी अपनी राइट्स मिली, एक्सेप्टेंस मिला, उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला ऐसे मैंने आप लोग से शेयर किया, ये जो मैंने खुद लिखा, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट ऐसे मैं शेयर करूंगी गणेश का, ठीक है। अब ये गणेश का ऐसे है, इसने कोर्ट से शुरू किया है, तो स्टूडेंट अगर आप देखिए कोटेशन के लिए ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्सेशन का मतलब जुनून, कि नहीं मुझे कोर्स लिखना ही लिखना है, इससे एग्जाम में इंटरेस्ट हो जाएगा, नहीं। कोर्स अगर लिख रहे हो तो वो ऐसे क्वेश्चन से वेल कनेक्टेड, वेल रेलिवेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज है वो आपको इंट्रो से कनेक्ट करना है। अब देखिए आप जो कनेक्शन के संदर्भ बात कर रहे हो, ये कनेक्शन आपको देखा है, ये कोटेशन है और ये इसका इंट्रोडक्शन है गणेश का। द अबव कोर्स सूट्स परफेक्ट व्हेन वी सी इंडियन हिस्ट्री इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कोर्ट को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इसने लिखा सीरीज ऑफ मूवमेंट, ये आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल मूवमेंट, इसने सिर्फ सोशल मूवमेंट के बारे में, कुछ सोशल मूवमेंट से उसको बस ऐसे करके लिस्ट कर दिया, ठीक है। और ये सोशल मूवमेंट की वजह से इंडिपेंडेंस आया, तो उसने सोशल मूवमेंट का एक जेनरिक इम्पोर्टेंस जो है वो बता दिया अपने इंट्रो में, एकदम प्लेन सिंपल इंट्रो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, सोशल मूवमेंट का इतना भारी भरकम डेफिनेशन दे दिया जो कि जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, सिंप्लिसिटी में बहुत शक्ति होती है, सादगी में शक्ति होती है, आप समझो। उसके बाद इन द एरा ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसने क्या किया, ये वाला जो है अल्टीमेटली लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद डेमोक्रेसी आया इंडिया में, तो इसने देखिए कितने अच्छे से दोनों पैराग्राफ को कनेक्ट किया। इन द एरा ऑफ डेमोक्रेसी सोशल मूवमेंट्स होल्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू ब्रिंग चेंज इन पब्लिक लाइफ, पता नहीं बीच बीच में फुल स्टॉप क्यों दे देता है ना। एनीवेज उसके बाद अब देखिए इसने कहाँ गड़बड़ की है, ब्रिंग चेंज इन पब्लिक लाइफ एविडेंस ऑफ इट कैन बी सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इसने अक्रॉस द वर्ल्ड लिख दिया है, तब फिर तो सीधे वर्ल्ड के बारे में बात आनी चाहिए ना, कोई वर्ल्ड नेशन के बारे में बात आनी चाहिए। तो इसने ये जो लाइन लिखी है ना, द कंट्री विच हैज बीन चैंपियन ऑफ ऑल्सो ऑब्जर्व सोशल मूवमेंट इन द, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं, वर्ल्ड आ गया तो सीधे यूएस से आ जाएगा, तो आपका कनेक्टिविटी बैठ जाएगी वर्ल्ड और यूएस की, फाइन। अब उसके बाद तो आपको समझ में आया इसने इंट्रो और मेन बॉडी को कैसे कनेक्ट किया, मगर अभी भी अगर आप देखोगे इसने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अभी भी नहीं आया इसका, इसका सोशल मूवमेंट है अभी भी, सोशल मूवमेंट है ब्रिंग चेंज इन पब्लिक लाइफ, मगर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अभी भी नहीं आया। अब इसने लिखा इन यूएसए ड्यूरिंग इतना देयर वाज सेवरल मूवमेंट लाइक सिविल राइट्स, वियतनाम वॉर, एंटी वॉर, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। अब इसको ना वियतनाम वॉर, एंटी वॉर प्रोटेस्ट कोई मतलब नहीं था लिखने का, वर्ड्स अनलिखते थे, जो इसका वर्ड लिमिट को एक्सीड किया है ना, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सिविल राइट मूवमेंट का एग्जाम्पल दो, उसको एक्सप्लेन करो। नॉन वायलेंट सोशल कैंपेन टू अबॉलिश रेशियल सेग्रीगेशन डिस्क्रिमिनेशन डिसइंफ्रेंचाइजमेंट, दिस इज ह्यूज प्रोटेस्ट, इवेंचुअली कैंपेन फेडरल लॉ फॉर सिविल राइट फॉर ऑल अमेरिकन। अब देखिए कैसे कनेक्ट किया, इन सच वे कॉमन मैन इन यूएसए ब्रॉट मच नीडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म फॉर डिग्निफाइड लाइफ, कितने अच्छे से कनेक्ट किया है, ओके। उसके बाद अब इसने ना वर्ल्ड नेशन के बारे में यहाँ पे यूएसए में बताकर अब वो इंडिया पे आया, जब वो उसको पता है कि उसको इंडिया पे आना है, तो यहाँ इंडिया के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वर्ड्स देयर। अब उसके बाद ये इंडिया में आया, अब इसमें देखिए फिर से स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, ये रेपिटेशन है, इसके वर्ड्स क्यों एक्सीड हो रहे हैं, रेपिटेशन। यहाँ पर इसने ऑलरेडी स्वदेशी मूवमेंट ये सब के बारे में लिख दिया है,
तो एनीवेज मैंने इस लाइन को काट दिया। तो यहाँ पर स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट बहुत बैकलैश, ये सब हो गया बंगाल प्रोविंस बाय। देखिए कहाँ कहाँ फुल स्टॉप फिट करता है, देखिए कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट पीपल बॉयकॉटेड बर्न एंड प्रमोटेड स्वदेशी प्रोडक्ट। इवेंचुअली लुकिंग एट द इंटेंसिटी गवर्नमेंट हैड टू, ऑल्दो मूवमेंट वॉज येट इट वॉज सक्सेसफुल ब्रिंग अबाउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मगर इसमें मैंने एक चीज ओवरलुक कर दी, वो ये था कि इसने क्लेवरली, गणेश ने क्या किया, ऑल्दो मूवमेंट वॉज वॉयलेंट येट इट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मगर कौन सा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाया ये इसने नहीं लिखा। गॉट इट? आई मीन बॉयकॉटिंग अबॉलिशिंग ब्रिटिश गुड्स, इससे क्या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आया ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। जो मैंने जब मैंने इसको इवेल्युएट किया तब ये चीज मैंने मिस कर दी, अभी मुझे समझ में आ रहा है। मगर इसने क्लेवरली किया है, हो सकता है एग्जामिनर भी इससे मिस आउट कर दे। तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन का स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसको आप कैसे मिस आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिर इंडिया, आप देखिए ना कितना अच्छे से इसने ऑर्डरली वे में पैराग्राफ को भी चेंज किया है। जैसे यहाँ यूएसए के बारे में बता दिया, ठीक है, उसके बाद इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरह से सोशल मूवमेंट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाया, फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाया। तो इसने ये सब दिया, एंटी करप्शन, ये सब। हाँ इवेंचुअली गवर्नमेंट टुक नोट ऑफ मूवमेंट एंड पास लोकपाल, आ गया ना डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उसके बाद इसने सिंपल सा इंट्रो, सिंपल सा कंक्लूजन, द अबव मेंशन मूवमेंट शो द पीपल्स कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स चेंज एंड डिग्निफाइड लाइफ। सोशल मूवमेंट मेक सोशल इश्यूज पब्लिक डिस्कोर्स व्हिच इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एथिकल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। बहुत सिंपल, इस तरह से एकदम सिंपल लिखोगे ना, और इसने बहुत इंप्रूवमेंट की है गणेश ने, ये तो मुझे एकदम दिख रहा है। अब मैं आ रही हूँ, अभिषेक का, ठीक है, एक बार इसका देख लेना, और फिर उसके बाद हम लोग। अभिषेक का ना प्रॉब्लम क्या है, लिखता तो ठीक है मगर ना राइटिंग बहुत बुरी है। मतलब राइटिंग फिर भी समझ में आती है, मगर आप देखिए मतलब नहीं, मतलब मैं गणेश का मैं देख रहा तो एकदम सपाट, एकदम नीट, वैसा इसका नहीं है। एनीवेज इसने देखिए कितना सिंपल इंट्रो लिखा है, सोशल मूवमेंट हैज ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग कोर्स ऑफ हिस्ट्री, चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड डिमांडिंग चेंज। अब मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इसको मतलब स्ट्राइक ऑफ कर दिया। इसने लिखा था दीज रिफॉर्म्स हेल्प कंट्री टू रीच इन करंट डेमोक्रेटिक फॉर्म, तो मैंने इसको मैंने क्रॉस कर दिया। मैंने ये बोला कि अगर इसने चेंज से इसने खत्म किया ये सेंटेंस, तो चेंज से ही शुरू करें। आप चेंज और रिफॉर्म दोनों में आप कनेक्टिविटी नहीं ला पा रहे हो। कोई चीज चेंज होती है फॉर बेटर, कोई कोई चीज चेंज होती है फॉर वर्स, इसीलिए चेंज को आपको बताना पड़ेगा कि ये रिफॉर्म है। तो मैंने लिखा दी चेंजेस रिफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ एनी नेशन, ऐसे करके। तो आपका लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी हुई। अब ये इंट्रो को मेन बॉडी से कनेक्ट करना है। फिर इसने सोशल मूवमेंट का ऐसे बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया ये सोशल मूवमेंट क्या करता है, वो बता दिया एक लाइन में। द सोशल मूवमेंट ऑफन इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू सिस्टम इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, द मूवमेंट गिव्स मच नीडेड। अभी भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पे नहीं आया है, हालांकि यहाँ पे इसने एक लाइन में बताया मगर कोई एग्जाम्पल नहीं आया। अब देखिए आ रहा है, वही भीमराव अम्बेडकर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। मगर मैंने लिखा है लैक क्लैरिटी क्यों, विच रिजल्टेड इन रिजर्वेशन ऑन इन पार्लियामेंट अदर रिफॉर्म ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से रिफॉर्म है ना, तो इसीलिए मैंने लिखा हु गॉट रिजर्वेशन। फिर सोशल मूवमेंट्स हैव द पावर टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्रिटिकल इश्यू, दीज मूवमेंट्स अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन गिव्स मच नीडेड प्लेटफॉर्म टू मासेस एक्सप्रेसिंग देयर। फिर से सोशल मूवमेंट के बारे में फिर से कुछ लिखा, और फिर अन्ना हजारे का इसमें मूवमेंट बताया, ठीक है। अब इसने लिखा रिजल्टेड इन पासिंग ऑफ, ये होता है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो जो चीज संदीप आप मिसिंग है वो मैंने आपको बताया, और ये छोटा छोटा मत लिखा करो, कॉन्ट्रैक्ट मत किया करो वर्ड्स को। टू लिसन टू द रोल बैक फ्रॉम फार्म बिल, अच्छा इसने किसान जो फार्मर्स मूवमेंट हुए थे
उसके बारे में बताया। हालांकि ये जो मास मूवमेंट हुआ था ये थोड़ा सा वॉयलेंट हो गया था, मगर इसकी वजह से गवर्नमेंट को 3 फार्म बिल्स को रोल बैक करना पड़ा, तो यही बताया है। ठीक है, फिर इसने अपना, अब एक और है, किसका है देख लेती हूँ। सौरभ, सौरभ ने भी ठीक लिखा है। इसकी राइटिंग भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है, बहुत छोटी राइटिंग है, और बाय द टाइम इस ना 2 घंटे हो जाएंगे, इसकी राइटिंग जो छोटी है ना और छोटी हो जाएगी, और फिर वो नजर ही नहीं आएगी क्या लिखा। एनीवेज, अब देखिए, इट इज सेड बाय फिलोसोफर्स दैट अ सिविलाइजेशन कैन ओनली सस्टेन इटसेल्फ बाय अडैप्टिंग द चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट। अब इसने यहाँ पे ये चेंजेस के बारे में बता रहा है, तो फिर मैंने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। मैंने कहा जब चेंजेस के बारे में बता रहे तो चेंजेस को पूरा ढंग से एक्सप्लेन करके फिर उसको डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तक लेकर आओ। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा, सम चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय सोशल मूवमेंट दैट ट्रांसफॉर्म एंड इम्पैक्टेड टिल नाउ द प्रेजेंट जनरेशन, गॉट इट। फिर बस इतना लिखी, फिर अपना पैरा चेंज कर दो, क्यों लंबा पैरा करना, ठीक है। और फिर इसने लिखा, वन एग्जाम्पल इज भक्ति मूवमेंट विच है, हाँ इसने भक्ति मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया, मगर भक्ति मूवमेंट के साथ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाया ये इसने नहीं बताया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअली ब्राह्मण का जो डोमिनेंस था उसको ब्रेक करने के लिए स्टार्ट हुआ था। अगर हम बहुत सारा कॉजेस देखें भक्ति मूवमेंट का, तो एक और ये कॉज था, मगर वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कैसे लेकर आया वो इसने नहीं बताया। तो सिंपली मेंशनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट वोंट डू एनीथिंग गुड, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से। शाहबानो केस के बारे में बताया इसने, और दिस लेटर लेड टू एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक, ठीक है, कितना अच्छा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। उसके बाद इसने चिपको मूवमेंट के बारे में बताया, मगर इसने देखती हूँ, दिस इम्पोर्ट द नेशनल ईयर लेड टू द 15 ईयर बैन ऑन कमर्शियल फॉरिंग उत्तराखंड हिमालय। देखिए ये है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, चिपको मूवमेंट को कनेक्ट किया। फिर उसके बाद इसने सोशल मूवमेंट और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का, निर्भया मूवमेंट का बताया, ठीक है, और फिर इसने कंक्लूड कर दिया। अब मैं संदीप के में आती हूँ। अब देखिए संदीप, मैं एक चीज तो आप, आपकी बहुत बड़ी कमी है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप शब्दों के साथ खेलते हो और आपको ना भारी भरकम शब्द अट्रैक्ट करते हो। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैं मुझे ना भारी भरकम शब्द बहुत अट्रैक्ट करते थे और मैं उसको यूज करने की कोशिश करती थी। ये एक अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, मगर अभी इस आदत को एकदम साइड करो। जब आपका जॉब वॉब लग जाएगी ना, उसके बाद इस चीज पे आपको काम करना है कि मैं हम नए नए शब्द को पढ़े, उसका मतलब समझे, उसको यूज करने की कोशिश करें, वो बाद में करना। अभी क्या करना है संदीप आपको, कि आप एकदम सिंपल वर्ड्स यूज करो, सिंपल सेंटेंसेस यूज करो, लंबे लंबे सेंटेंसेस। और आज मैं, इस बार मैं खुश भी हूँ कि इस बार मैंने ऐसे जो चेक किया है, लंबे लंबे सेंटेंसेस मुझे देखने को नहीं मिले हैं। अब देखिए, आपने सोशल मूवमेंट का एकदम फ्लैट डेफिनेशन लिखा, जैसे एकदम बुकिश टाइप का डेफिनेशन होता है, वो पता भी चलता है। अ सोशल मूवमेंट इज अ लूजली ऑर्गेनाइज एफर्ट। क्यों लूजली ऑर्गेनाइज? हो सकता है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में सोशल मूवमेंट को लॉन्च किया गया हो, जरूरी नहीं है वो हमेशा लूज ही हो सोशल मूवमेंट, है ना। बाय लार्ज टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, टिपिकली अ सोशल पॉलिटिकल वन, दिस मे बी कैरिड आउट, टू नहीं होगा, फॉर अ सोशल चेंज और टू रेजिस्ट और अनडू वन, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप एक्शन। अब देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप एक्शन, लार्ज ग्रुप बाय अ लार्ज ग्रुप, फिर से आपने ग्रुप एक्शन लिखा, ये तो रेपिटेशन नहीं है ना, इसको ये इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। ओके अगर आप सिर्फ इतना लिख देते, इतना लिख के फिर आप, अब देखिए मैं, अब देखती हूँ आप क्या किए हो। इट राइजेस फॉर सम डिमांड्स फॉर सम रिफॉर्म, फिर मैंने ये सारा हटा दिया, दैट कुड बी डेमोक्रेटिक। आपने सम रिफॉर्म क्यों लिखा, जबकि क्वेश्चन में, और सेकेंड आप देखिए, आप बोल रहे हैं मैम इंट्रो और मेन बॉडी को कैसे कनेक्ट करूं, तो आपने तो अच्छे से कनेक्ट किया। आपने सोशल मूवमेंट के बारे में बताया, फिर आपने लिखा कि इट अराइजेज नहीं हुआ, इट अराइजेज हुआ, है ना, और या इट इज कॉज्ड बाय,
बेटर है, ये लिखो इट इज कॉज, नहीं, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय, कॉज कारण नहीं लिखोगे ना, तो सोशल मूवमेंट जो आता है उसकी वजह से क्या होता है, रिफॉर्म्स होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोशल मूवमेंट ब्रिंग्स अबाउट सम रिफॉर्म। क्यों, जब क्वेश्चन में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है तो सीधे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लिखो, और बस फुल स्टॉप। आप उसमें यहाँ पर फुल स्टॉप आपने डाल दिया, अब उसके बाद आप एग्जाम्पल देना शुरू करो। मगर अब आप फालतू चीजें बता रहे हो, एकदम फालतू। सीधे आपने बोल दिया डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आते हैं, सोशल मूवमेंट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आते हैं, तो बस सीधे से आप सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल दो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्या लेकर आया वो बताओ, सेकेंड पैरा में, फिर थर्ड पैरा में फिर कुछ एग्जाम्पल दो सोशल मूवमेंट का, वो क्या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आया वो बताओ, ऐसे ऐसे करके कंक्लूड कर दे। मगर आपने सिर्फ सोशल मूवमेंट, ये मैं फर्स्ट ऐसे आपका देख रही, सिर्फ सोशल मूवमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, सिर्फ सोशल मूवमेंट, मैंने कुछ चेक ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया कहीं पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं। अच्छा, आई मीन कहीं पर सोशल मूवमेंट नहीं है, हर जगह सिर्फ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर ये गलती। अब जो सेकेंड ऐसे आपने दिया संदीप, वो अब मैं देखती हूँ, ठीक है, उसमें वो बेटर था। यस मैम। अब देखिए, आपने यहाँ पर सोशल मूवमेंट का डेफिनेशन दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर इन हिस्ट्री देयर हैव बीन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अब प्रॉब्लम, अब यहाँ पर कनेक्टिविटी, हाँ, अब आप बोल रहे ना कनेक्टिविटी कैसे लेकर आए, यहाँ पर आपने सोशल मूवमेंट से एंड किया, तो क्यों ना आप ऐसे लिखते, ड्यू टू सोशल मूवमेंट सम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर ब्रॉट अबाउट ड्यू टू, सो यहाँ पर शुरुआत ही ड्यू टू सोशल मूवमेंट से करते तो पूरा कनेक्शन आता, मगर अभी भी कनेक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। इंट्रो और यस मैम। इंट्रो में प्रॉब्लम क्या है मैं बता देती हूँ। ये मेरा ना, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक तो किया था ना संदीप, यस मैम, किया था आपने। अरे अनचेक वाला ओपन किया। एनीवेज, तो इसमें है ना आपका एक पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस नहीं, दो सेंटेंसेस कम से कम होने चाहिए थे। एनीवेज, आपने कनेक्टिविटी की है, ये सब कुछ अच्छे से लेकर आए हो, जन लोकपाल बिल, एंटी करप्शन, अन्ना हजारे, और देखिए आपका अंडरलाइन करने का तरीका भी कितना अच्छा है, मतलब एग्जामिनर देखेगा, अच्छा पूरा पढ़ेगा भी नहीं, अच्छा इस पैराग्राफ में इसने इसके बारे में बताया, ये सोशल मूवमेंट के बारे में बताया, अच्छा इन्वेस्टिगेशन करप्शन, ये भी एकदम अंडरलाइन करने का तरीका भी आपका अच्छा है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में बता दिए, निर्भया केस वाले में आपने इसको भी अंडरलाइन कर देते, निर्भया मूवमेंट को अंडरलाइन कर देते अच्छा रहता, पेटिशन टू कंडम ये वाला अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी, कैंडल मार्च भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी, इसमें सिर्फ निर्भया मूवमेंट को अंडरलाइन करने की जरूरत थी, और फिर हाँ ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, यहाँ पर भी तो सही है, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी, नर्मदा रिवर को, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये अंडरलाइन करो खत्म। उसके बाद इसमें आपने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं लेकर आए हो, नहीं लेकर आए हो, रिकंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट कैसे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आए, ये नहीं लेकर आए हो, सही लिखे हो, अच्छा मुझे याद है मैंने इसको इवैल्यूएट किया था, ये आर्टिकल क्यों लेकर आए यहाँ पर, कोई मतलब नहीं, और फिर पैरा क्यों चेंज कर रहे हो, यहाँ पे आप कंक्लूड कर रहे हो तो कंक्लूजन एक ही पैरा में होगा ना, कि दो पैराग्राफ में कंक्लूड करोगे, और एक पैराग्राफ में कम से कम दो सेंटेंसेस होने चाहिए, तो फालतू का एक और पैराग्राफ आपने क्रिएट किया। संदीप ठीक है, पहले से बेटर है ये वाला इससे। एनीवेज, यस और कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।